be ward off all GST worries through a one-stop platform that gives you daily practical problem with solution, daily GST alert, monthly webinar, WhatsApp group, query bank, compliance calendar, self-assessment test, monthly e-newsletter. Now, stay on top of your GST compliances and save your time and money. Subscribe to Educating Now. Good evening to all of you. Notification 68. Waiver of the late fees की बात करता है GST Act 10. हम ये notification तो read करेंगे, पर साथ में इसके legal provision को भी समझने की कोशिश करेंगे जो GST Act 10 के regard में है. Notification 68 की language क्या है? In exercise of the power conferred by section 128. 128 में क्या पावर दिया गया गवर्नमेंट को, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो भी इसके लिंक्ड प्रोविजन है. इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन द काउंसिल हियर बाय वेव्स द अमाउंट ऑफ द लेट फीस. क्या चीज का वेवर है? लेट फीस का वेवर है. और कौन सी लेट फीस? जो सेक्शन 47 में लेवी होती है. अब सेकंड, क्या सेक्शन 47 है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे और लिंकिंग की कोशिश करेंगे 128 के साथ में. विच इज इन एक्सेस ऑफ द रुपीज 250, मीनिंग देयर बाय क्या कंप्लीटली वेव किया? नहीं सर, इन्होंने वेव किया है अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 250. मतलब जितना भी अमाउंट पहले लगता था अब कितना लगेगा? सर 250 लगेगा. अभी 250 क्या टोटल अमाउंट 250 है? नहीं सर, हम नोटिफिकेशन किसका रीड कर रहे हैं? सेंट्रल टैक्स का. तो उसके अकॉर्डिंग 250 रुपीज है, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एसजीएसटी वुड आल्सो बी देयर. सो द टोटल अमाउंट कितना होगा सर? 500 रुपीज. अब रिटर्न की जो लेट फीस है वो कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी. और बाकी जो है वो क्या हो गई? वो माफ हो गई, वेव हो गई बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन. फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन, क्या सेक्शन 47 में किन किन रिटर्न के रिगार्ड में वो लेट फीस चार्ज करता है? दैट वी विल डिस्कस. फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन वो फेल टू फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 10. क्या है जीएसटीआर 10? सर जीएसटीआर 10 एक सेक्शन 45 का रिटर्न है. रीड विद रूल 81. सेक्शन 45, रूल 81 एंड जीएसटीआर 10 दैट वी ऑल डिस्कस व्हाट इज द टाइम लिमिट इन द लेटर पार्ट बाय द ड्यू डेट. तो जीएसटीआर 10 जो ड्यू डेट तक फर्निश नहीं किया, बट कब फर्निश कर दिया? बिटवीन 22nd ऑफ सेप्टेंबर 2020, इट मींस फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ दिस नोटिफिकेशन टिल 31st डे ऑफ दिसंबर 2020. मतलब मैं 31 दिसंबर 2020 तक अगर मैं अपना जीएसटीआर 10 फाइल कर देता हूं तो जो पहले 10,000 तक लेट फीस लगती थी, अपर लिमिट 10,000 है एंड 200 रुपीज पर डे था, तो वो जो अपर लिमिट 200 रुपीज पर डे और 10,000 थी, अब वो कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वुड बी 500 रुपीज. मैक्सिमम वुड बी 500 रुपीज. सो काफी बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं और ये हम सब लोग वेट कर रहे थे, सिंस 3 ईयर से वेट कर रहे थे. हमें ये लग रहा था कि सर कोई ना कोई नोटिफिकेशन जीएसटीआर 10 के रिगार्ड में आना चाहिए. अब हम बात करते हैं सेक्शन 47 क्या चीज है, लेवी ऑफ द लेट फीस. सेक्शन 47 कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द रिटर्न्स. कौन कौन सा? द फेल टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई. सेक्शन 37 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई की बात करता है, 38 डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई की बात करता है, एंड थर्ड क्या है? रिटर्न है. कौन सा? सेक्शन 39 का, जो कि जीएसटीआर 3 या 3B है, और सेक्शन 45 जो हमारा अभी का डिस्कशन है. बाय द ड्यू डेट, अगर वो ड्यू डेट तक फर्निश नहीं करते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? लेट फीस देनी पड़ेगी. कितने रुपए की? 100 रुपीज एवरी डे. अगेन वी आर रीडिंग द सेक्शन 47 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. तो 100 रुपीज सीजीएसटी और 100 रुपीज एसजीएसटी, टोटल कितना हुआ सर? 200 रुपीज. ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 5,000. तो अगेन 5,000 सीजीएसटी, 5,000 एसजीएसटी, टोटल अमाउंट मैक्सिमम कितना होगा? 10,000 रुपीज. और आज यही प्रैक्टिकली यही हो रहा था. अगर जिसका मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, सेक्शन 45 की बात कर रहा हूं जो जीएसटीआर 10 के बारे में बात करता है, फाइनल रिटर्न, वो रिटर्न अगर फर्निश नहीं किया और काफी टाइम हो गया, देन उन सभी रिटर्न्स के रिगार्ड में 10,000 की पेनल्टी हमें, लेट फीस हमें देनी पड़ती थी, तभी फाइल हो रहा था. नाउ विल रीड व्हाट इज द सेक्शन 45 फॉर
the purpose of the knowledge only. Section 45, final return. Every registered person who is required to furnish the return under section 39, subsection 1, जो normal return, regular registration की बात करता है, and जिसका registration cancel हो गया है, उन्हें एक final return furnish करना पड़ेगा. Time limit क्या है? 3 months. And 3 months की counting क्या होगी? Sir, यहाँ पे दो date prescribed है. 3 months की जो counting है, उसके लिए दो date prescribed है. कौन-कौन सी date? पहली date है cancellation, और दूसरी date है order of the cancellation. या तो date of the cancellation, या फिर order of the cancellation, whichever is later. दोनों में से जो बाद में आएगी उनसे 3 महीने के अंदर अंदर हमें रिटर्न फाइल करना, फाइनल रिटर्न. किस फॉर्म में, किस मैनर में, एज में भी प्रिस्क्राइब. कहां पे प्रिस्क्राइब है? रूल 81 में. रूल 81 की बात कर रहा हूं. रूल 81 क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसे फाइनल रिटर्न फर्निश करना है अंडर सेक्शन 45, उसे इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना पड़ेगा. किस फॉर्म में? GSTR 10 में, थ्रू द कॉमन पोर्टल, either directly or through a facilitation center notified by the commissioner. तो अब हमें ये बात तो समझ में आ गई, requirement section 45 की है, rule 81 इसका form prescribe करता है, जो कि 3 month में file करना था, और अगर नहीं किया तो उसकी late fees subject to the maximum of 10,000 है, उसको waive करके कितना कर दिया? सर 500 rupees कर दिया. अब ये जो भी waiver के notification आते हैं, वो notification section 128 में आते हैं. क्या है section 128? Government by notification waive in part or full. अभी अगर बात करेंगे तो ये notification ने क्या full waive किया? नहीं, इसने क्या waive किया? इसने part में waive किया. Any penalty referred to in section 122 or 123 or 125 or any late fees referred to in section 47, जिसकी हम बात कर रहे थे, for such class of the taxpayer and under such mitigating circumstances as may be specified therein on the recommendation of the council. Section 47 में हमने क्या देखा? Section 37, Section 38, Section 39, Section 45. तो अभी जो notification issue किया, उन्होंने किसको किया? सर सिर्फ 45 के लिए late fees को part में waive किया है. I hope it's clear. अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे बताएं. एंड वी आर रनिंग ए जीएसटी एनुअल मेंबरशिप जस्ट ₹999 पर एनम. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल दी है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.